हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमरीकी, बरतानवी, ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी माहदे में शमूलियत न होने पर कैनेडियन अस्करी हुकाम को तश्वीश। कैनेडियन वाइस एडमिरल का कहना है कि कैनेडा को जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल नहीं होगी। माहदे में कैनेडा का शामिल होना नहायत जरूरी था। कैनेडा में माहरीन हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी में तौसी पर फिक्रमंद। माहरीन का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत के मंसूबे से सेहत की देखभाल, हाउसिंग और लेबर के शोबे मुतासिर होंगे। इमिग्रेशन में तौसी मसाइल का हल नहीं है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 8,500 रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की कमी का खदशा। सूबाई हुकूमत जल्द मशावरती इजलास मुनक्किद करेगी। हुकाम का कहना है कि सूबे में तालीमी कारकुनान की कमी दूर करने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। नेटो की यूक्रेन को मजीद भारी हथियार फराहम करने की यकीन दहानी। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले बरतानवी टैंक्स चला दिए जाएंगे। डेंप्रो पर रूसी मिसाइल हमला, हलाकतों की तादाद 21 हो गई। कैलिफोर्निया में बयाकवा तूफान, सैलाब और सर्दी, इमरजेंसी नाफिस। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में शदीद सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। कैलिफोर्निया के चंद मकामात पर होने वाली बारिश ने 150 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. अमरीकी, बरतानवी, ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी माहदे से कनाडा की अदम मौजूदगी पर फौज को तशवीश है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी, बरतानवी, ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी माहदे से कनाडा की अदम मौजूदगी पर फौज को तशवीश है। कनाडा की मुसल्ला अफवाज के आला तरीन सतह पर ये खदशात हैं कि इस मुल्क को अपने करीबी इत्तेहादियों की तरह जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी माहदे का हिस्सा नहीं है। सैफ अरीकी माहदा, जिसका नाम ओकॉस है, जिसका तीन ममालिक की शमूलियत के बाद सितम्बर 2021 में ऐलान किया गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने हिंद बहरुल काहिल के खत्ते में चीन की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए कहा था, जहां कनाडा के बढ़ते हुए इक्तिसादी और सलामती के मफादात हैं। अगरचे इस माहदे के इर्द गिर्द ज्यादातर तवज्जो ऑस्ट्रेलिया को एटमी आबदोज टेक्नोलॉजी फराहम करने के अमरीकी और बरतानवी मनसूबों पर मरकूज है, वाइस एडमिरल बॉब आर्चोलोनी ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि ये इंतजाम बहुत ज्यादा है। आर्चोलोनी कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर हैं। इस किरदार में वो कनाडा और मुसल्ला अफवाज को दरपेश खतरात और चैलेंजेस की करीब से निगरानी करते हुए अंदरून और बैरून मुल्क दर्जनों फौजी ऑपरेशंस का इंतजाम करने का जिम्मेदार है। कनाडा आने वाले सालों में अपनी इमिग्रेशन की सतह को नुमाया तौर पर बढ़ाने का इरादा रखता है। कुछ पॉलिसी माहरीन सेहत की देखभाल, हाउसिंग और लेबर मार्केट पर मुमकिन असरात के बारे में फिक्रमंद है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा आने वाले सालों में अपनी इमिग्रेशन की सतह को नुमाया तौर पर बढ़ाने का इरादा रखता है। कुछ पॉलिसी माहरीन सेहत की देखभाल, हाउसिंग और लेबर मार्केट पर मुमकिन असरात के बारे में फिक्रमंद है। लेकिन इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर का इसरार है कि कनाडा को मजदूरों की कमी और आबादियाती तब्दीलियां, जिससे मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा है, उनसे निमटने के लिए मजीद नए आने वालों की जरूरत है, जिससे मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा है।
शॉन फ्रेजर ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर हम अपनी इमिग्रेशन की ख्वाहिश को बढ़ाना जारी नहीं रखते और काम करने की उम्र की ज्यादा आबादी और नौजवान खानदानों को इस मुल्क में नहीं लाते तो हमारे सवालात मजदूरों की कमी अब से आने वाली नस्लों के बारे में नहीं होंगे। नवंबर में वफाकी लिबरल हुकूमत ने एक नए इमिग्रेशन प्लान का ऐलान किया जिसके तहत कैनेडा 2025 तक हर साल 5 लाख तारिकीन वतन को खुश आमदीद कहेगा जबकि 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 4,31,645 अफराद मुस्तकिल रहायशी बन गए। माहिरीन का कहना है कि नए इमिग्रेशन की शरह ऑस्ट्रेलिया जैसे मिलते जुलते ममालिक की शरहों से काफी ज्यादा होंगी। उन्होंने कहा कि ये बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन इमिग्रेशन की सतह को बढ़ाना मजदूरों की मौजूदा कमी को दूर करने का सही तरीका नहीं है। पॉलिसी ज्यादा मायने खेज होगी अगर उसकी हम आहंगी उसके साथ की जाए जो बुनियादी साख्ती लेबर मार्केट की कमी के तौर पर देखी जाती है जो बरकरार रहने वाली है। माहिरीन के मुताबिक कैनेडा में कारोबारी ग्रुपों ने मजदूरों की जारी कमी को एक बड़ी तशवीश के तौर पर देखा है और उन्होंने हुकूमत से खाली आसामियों को पुर करने में मदद करने का मुतालबा किया है। बिजनेस काउंसिल ऑफ कैनेडा ने एक प्रेस रिलीज में अहदाफ को सराहते हुए कहा कि एक ऐसी मईशत जिसमें मेहनत कशों की दायमी कमी हो वो अपनी सलाहियत को हासिल नहीं कर सकती। कैनेडियन सूबा ओंटारियो में 8,500 रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की कमी हो सकती है क्योंकि सूबा एक दिन के कौमी $10 प्रोग्राम के तहत 10,000 मजीद बच्चों की देखभाल के मराकज शामिल करने का इरादा रखता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 8,500 रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की कमी हो सकती है क्योंकि सूबा एक दिन के कौमी $10 प्रोग्राम के तहत 10,000 मजीद बच्चों की देखभाल के मराकज शामिल करने का इरादा रखता है। सूबाई हुकूमत अगले हफ्ते से बच्चों की देखभाल के शोबे में लोगों के साथ मशवरती इजलास मुनक़िद करने वाली है। मशवरती इजलास रसाई शमूलियत मसावात और दर्सगाह को देखने के लिए भी तैयार है। ओंटारियो की एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिचर्ड विकर्सन ने कहा कि अगरचे मसाइल को देखना अच्छा है लेकिन इसके साथ शुरू करने के लिए सबसे अहम काम अफरादी क़ुव्वत है जिनमें खास तौर पर मुलाजमत को बरकरार रखना शामिल है। माहरीन का कहना है कि ये देखना अच्छा है कि हुकूमत इसके बारे में सोच रही है। ओंटारियो के वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने वफाकी वज़रा क्रीना गौड़ और क्रिस्टिया फ्रीलैंड के साथ बच्चों की देखभाल के एक हालिया ऐलान में कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि फीसों में कमी से तलब में इजाफा होगा और इसलिए ज़रूरतमंद कारकुनों की तादाद में इजाफा होगा। मुकामी मीडिया के जरिए हासिल करदा स्लाइड डेस्क में हुकाम का कहना है कि 2025 से 2026 तक तकरीबन 14,700 नए रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की ज़रूरत होगी जब फीस में मुकम्मल कमी और 86,000 नई जगह मौजूद होंगी। लेकिन भर्ती और बरकरार रखने के लिए मजीद इकदाम किए बगैर स्लाइड्स बताती हैं सूबा इस हदफ को पूरा करने के करीब नहीं आएगा। दरी असना इस शोबे को पहले ही अमले की कमी का सामना है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2019 और 2021 के दरमियान लाइसेंस याफ्ता बच्चों की देखभाल के मराकज में रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की तादाद में 7% कमी वाकई हुई है। वफाकी हुकूमत के साथ ओंटारियो के माहदे के एक हिस्से के तौर पर सूबे ने उन असातिज़ा के लिए उजरत मुकर्रर की है 2022 में $18 फी घंटा और $1 सालाना इजाफे से $25 तक थी। मार्च में माहदे पर दस्तखत के बाद से वकला ने कहा है कि काफी अमले को रागिब करने और बरकरार रखने के लिए ये रकम बहुत कम है। गवर्नमेंट स्लाइड डेक के मुताबिक हर साल तकरीबन 4,200 नए तलबा इब्तदाई बचपन की तालीम के प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं और ग्रेजुएशन की औसत शरह तकरीबन 72% है लेकिन रजिस्टर्ड ECEs में से सिर्फ निस्फ लाइसेंस याफ्ता चाइल्ड केयर में काम करने का इंतखाब करते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा यूक्रेन के लिए भारी जंगी साजो सामान की फराहमी के हालिया वादे अहम हैं। मुस्तकबिल करीब में मजीद वादे किए जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के मशरकी इलाके डोंबास के कस्बे सोलेदार और बाखमोत में रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। यूक्रेन के शहर देनेप्रो में रूसी मिजाइल हमले से हलाकतों की तादाद 21 हो गई जबकि 73 अफराद जख्मी हुए जबकि 35 अफराद अब भी इमारत के मलबे तले दबे हैं। जबकि क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि बरतानवी टैंक यूक्रेन आए तो दीगर टैंकों की तरह जला दिए जाएंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा यूक्रेन के लिए भारी जंगी साजो सामान की फराहमी के हालिया वादे अहम हैं। मुस्तकबिल करीब में मजीद वादे किए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल नेटो जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जर्मन रोजनामे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यूक्रेन जल्द ही मगरबी ममालिक से भारी हथियारों की मजीद तरसील की तवक्को कर सकता है। नेटो जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हम जंग के फैसला कुन मरहले में हैं लिहाजा ये जरूरी है कि हम यूक्रेन को वो हथियार फराहम करें
जिनकी उन्हें जंग जीतने के लिए जरूरत है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने हफ्ते के रोज यूक्रेन को 14 चैलेंजेस 2 टैंक फराहम करने का वादा किया, जिसके साथ बरतानिया वो पहला मगरबी मुल्क बन गया है जिसने कीव का भारी टैंकों की फराहमी का मुतालबा मंजूर किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन ने कहा है कि मगरबी ममालिक यूक्रेन को रूस मुखालिफ मकासद के हुसूल के लिए बतौर आला इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने गुज़िश्ता रोज़ दारुलहुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ यूक्रेनी इलाकों में हसास तंसीबात पर मिसाइल दागे थे। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल हमलों में मुकर्रर किए गए अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। क्रेमलिन ने कहा कि बरतानिया पोलैंड की यूक्रेन को हथियारों की नई सप्लाई से जमीनी सूरत हाल नहीं बदलेगी। वाज़ेह रहे कि बरतानिया ने हफ्ते को 14 टैंकों समेत जदीद आर्टिलरी इमदाद यूक्रेन भेजने का ऐलान किया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मौसम सरमा के तूफान साइक्लोन बम से तबाही। सदर जो बाइडन ने रियासत में हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी। कैलिफोर्निया के चंद मकामात पर होने वाली बारिश ने 150 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मौसम सरमा के तूफान साइक्लोन बम से तबाही। सदर जो बाइडन ने रियासत में हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी। कैलिफोर्निया के चंद मकामात पर होने वाली बारिश ने 150 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्वेन न्यूसम ने सैलाबी बारिशों और उसके भयानक नतायज की जानिब से खबरदार किया है। सांता क्रूज इलाके में आवाम से रिहायशी मकान छोड़ने को कह दिया गया। फेल्टन गेरो इलाके की इंतजामिया ने भी दरियाओं की सैलाबी कैफियत की जानिब से इंतबाह देते हुए फौरी इनखिला का अलर्ट जारी कर दिया। ख्याल किया जा रहा है कि रियासत कैलिफोर्निया में इस सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया के साक्रामेंटो समेत मुतादित इलाकों में बिजली कट गई है। सर्दी की लहर और मनफी दर्जा हरारत के नतीजे में छुट्टियों पर निकले शहरी भी शाहराहों पर फंस गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 19 अमवात हो चुकी हैं। रियासत में 55,000 से ज्यादा घरों और कारोबारी मराकज को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता है। कई इलाकों में सैलाब, मिट्टी के तोदों और जमीन खिसकने से लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ताहम उन्हें बंद शाहराहों और सड़कों का भी सामना करना पड़ रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।